हाँ दोस्तों, मैं बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल हेलो सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं का जोगफल कैसे ज्ञात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दशमलव अर्थात डेसिमल, एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रश्न आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आपको एक दो सेकेंड में सॉल्व करने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सवाल दिया जा सकता है 0.44+0.44+0.44+0.44। जी हाँ दोस्तों, इस तरह लगातार सीरीज में आपको सवाल दिए जा सकते हैं। अब देखना है कि हम इसे एक ट्रिक द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मात्र आप इसे दो सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए 0.4 वन टाइम है तो लिख देंगे 4 × 1, 4 × 2 टू टाइम्स है ये हो गया 4 × 3, या 4 टाइम है तो 4 × 2 हो गया ये 4। अब यहाँ से आपको टेबल पढ़नी है तो 4 × 1 हो गया 4। जी हाँ दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो गया, इसको लिख लेते हैं 4। 4×2 हो गया आपको 8 और 4×3 हो गया 12। जी हाँ दोस्तों, कैरी 1 हो गया और 4×6 हो गया 16 और कैरी 1 = 17। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो चीज याद रखनी है। इसको स्टार्टिंग से प्रारंभ करेंगे, जैसे 4 × 1 = 4 है, इसको इस साइड से लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखनी है कि इसको इस साइड से लिखनी है, मतलब जस्ट उल्टा चलते जाना है इस प्रकार से आया, यानी लास्ट वाला इधर आएगा और फर्स्ट वाला इधर आएगा, इस प्रकार से मल्टीपल करेंगे। अब बात है कि दशमलव डेसिमल कैसे बैठाएंगे। तो डेसिमल बिठाने के लिए आपको मैक्सिमम संख्या देखना है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और डिजिट के बाद जो है आपको डेसिमल बैठाया गया है, तो आप भी इसमें 1, 2, 3, 4 यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, मल्टीपल में होना चाहिए। तो ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास 0.3 है, 0.33, 0.333, 0.333 4 टाइम्स है, और यहाँ पर सपोज कीजिए कि 5th टाइम्स है। करना कुछ नहीं था, ट्रिक बस याद रखनी है, जितना टाइम मल्टीप्लीकेशन उस प्रकार से लिख देंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ×। जी हाँ दोस्तों, अब आपको याद रखना था कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको इधर लिखते हैं। तो 3×1 = 3 हो गया, 3×2 = 6 हो गया, 3×3 = 9 हो गया, और 3×4 = जी हाँ दोस्तों, 3×4 = 12 हो गया। तो 12×2 लिखेंगे कैरी 1। जी हाँ दोस्तों, 3×5 = 15 और कैरी 1 = 16। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आपको करना क्या है कि डेसिमल बिठानी है, तो मैक्सिमम नंबर देखिए। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 3 लिखाना चाहिए। डेसिमल देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपके आंसर हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रकार से दशमलव की संख्याओं का जोगफल आसान तरीके द्वारा निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिए।